तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा ये न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में बताएंगे एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर जब कोई स्टूडेंट जा रहा है तो ओपन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। आज के वीडियो में बताएंगे, देखिए सबसे पहले कोई ब्राउजर हो उसको ओपन करने के बाद एनएसपी सर्च कीजिएगा। एनएसपी सर्च करने के बाद फर्स्ट ही वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट ही वेबसाइट पर देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, सर्वर रख रखाव के कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल अनुपलब्ध है, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। तो दोस्तों आपको बता दें, लग रहा है कि एनएसपी पर कुछ बिगेस्ट अपडेट आने वाला है, क्योंकि सर्वर के प्रॉब्लम्स यानी सभी स्टूडेंट का स्टेटस चेंज होने वाला है, या तो सभी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में यस होने वाला है या तो नो होने वाला है, जो लास्ट डिसाइड होगा इस बार मेरे ख्याल से, क्योंकि सर्वर कल से ही 24 घंटा से ही सर्वर बंद है, क्योंकि सिर्फ यही लिखा आ रहा है कि कुछ देर बाद प्रयास करें। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, हमको लग रहा है कि स्टेटस चेंज होगा। स्टेटस चेंज हो गया तो अच्छा बात है, तो सभी स्टूडेंट का स्टेटस चेंज हो जाएगा तो सभी स्टूडेंट खुश हो जाएगा। इस बिगेस्ट अपडेट हमको लग रहा है आने वाला है, इसलिए वेबसाइट को सर्वर को बंद रखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर रिन्यूअल एप्लीकेशन है, इस पर भी क्लिक करते हैं तो इस पर भी वही लिखा आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो चलिए आज आपको और बता दें कि अगर आपका PFMS पर रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है तो कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे ही NSP वाला वेबसाइट को सही करता है आपको सबसे पहले इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इसमें NSP स्कॉलरशिप और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल से सूचित करते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम पर भी जाके जुड़ जाइए और इस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना छोटा भाई समझकर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को।